सो व्हाट्स अप माय ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस, आवाज थोड़ी सी कम आ रही होगी क्योंकि यार बाहर बहुत जबरदस्त बारिश गिर रही है। और कल जो आप लोग ने कमेंट किया था, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बाइक जो है वो फेयरिंग वाली करनी चाहिए या फिर विदाउट फेयरिंग यानी सेमी फेयरिंग। तो मेरे हिसाब से 90% लोगों ने बोला कि फेयरिंग वाली करनी चाहिए, 10% लोगों ने बोला कि जो है मुझे सेमी फेयरिंग करनी चाहिए, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बोला इसको स्टॉक ही रखो। सो मैं सब किसी को निराश नहीं करूंगा, वी विल फर्स्ट ट्राई फुल फेयरिंग देन सेमी फेयरिंग, तो ताकि जो बेस्ट लुक रहेगा ना आप लोग बोलना आपने वो करेंगे, क्योंकि कलर करने से पहले अपने वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, कलर करने के बाद नहीं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और आप लोग इतना कमेंट कर रहे हो और इतना सपोर्ट कर रहे हो भाई, 400 कमेंट हो जा रहे हैं यार एक ही दिन में, मतलब यार आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। और अच्छा लग रहा है आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो, और बहुत जल्द अपने को जो है 100K भी करना है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, अपना मिशन है यार 100K करने का जल्द से जल्द। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपने देखा होगा हम लोग ने जब पल्सर 220 लिया है, मतलब फ्रेंड की है, और उसमें उसका हेडलाइट ब्रोकन है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। सो ये पल्सर 220 है जिसका फ्रंट का हेडलाइट देख रहे हो आप यहाँ से ब्रोकन है। सो मैं सोचा था ना कि इसका हेडलाइट पूरा चेंज करने का, बट ऐसा होता नहीं है, आपको जो है ना ये वाला असेंबली मिल जाएगा मतलब नया। यहाँ पे आप देख सकते हो मिंडा का आपको जो है पूरा कंप्लीट ग्लास मिल जाएगा, जो आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा असेंबली रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बजाज में जाओगे तो आपको पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा, बट आप बाहर से कहीं से थर्ड पार्टी अगर ढूंढोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, हम लोग यहाँ पे इजीली अवेलेबल था तो मैंने परचेस किया। आपको ये 400 के आसपास मिल जाएगा और आप जो है ना इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसलिए चीख के बोल रहा हूँ क्योंकि यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे को लगता है कि नॉइज़ आ रहा होगा, तो चीख के बोलूँगा बाद में एडिटिंग करने टाइम, तो वो नॉइज़ कैंसिल कर सकते हैं और आवाज़ को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी इसका हेडलाइट मैं पूरा खोलता हूँ, इसको ऊपर लेके चलते आराम से रूम में बैठता मैं, और इसमें कुछ यूनिक भी करने वाले हम लोग, मतलब ये खाली ऐसा लगा देंगे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यार अलग जाहिर सी बात है अपने कुछ कर रहे तो कुछ अलग करेंगे, ठीक है। तो इसको लगाएंगे कुछ इस तरीके से और इसको पहले खोलेंगे, पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको चेंज करना है अगर आपका टूटा है, चाहे वो कोई भी ग्लास हो कोई भी बाइक का हो। इनफैक्ट R15 का भी आपको जो है ऊपर का ग्लास मिल जाता है अलग से, अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, जैसे आप मिंडा देख सकते हो, लूमैक्स देख सकते हो, लूमैक्स जो है मोस्टली ग्लासेस और लाइट वो सब का देखती है, और बजाज में भी आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स लूमैक्स और मेरे हिसाब से मिंडा वो सब के शेयर होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अपने इसका पूरा फ्रंट का असेंबली खोलते और ऊपर लेके जाते। और कुछ भाई लोग ने कमेंट किया था कि ये वाला हैंडल निकाल दो और RC का ही हैंडल लगा दो एडजस्ट करके, तो कोई बात नहीं अपने वाला हैंडल निकाल देंगे और जो RC का क्लिप ऑन हैंडल्स आता है वही लगाएंगे। और फेयरिंग के लिए मैंने एक चीज़ सोची है, आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ रहा होगा, तो ये कैसा रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताना। और मैं भी सोचा कि मेरे को थोड़ा ये अच्छी लग रही है, मतलब मैट ब्लैक कलर में, और वो जो फेयरिंग है साइड की वो कौन सी बाइक की वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा जब मैं वो परचेस करके लाऊंगा, बट आप लोग पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला फेयरिंग कैसा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा फिर ही अपने वो परचेस करेंगे, नहीं तो अपना वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा वो चीज़। बाकी आज जो चीज़ हम लोग हेडलाइट में करने वाले ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, उसके लिए हम लोगों ने सारा सामग्री लेके आ गए, तो आगे जाके मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्या करने वाले, और ये हैंडल चेंज हो जाएगा उसका दिक्कत मत लो। और आज के इस वीडियो में अपने जो हेडलाइट का काम करेंगे, मोनो सस्पेंशन का करना है, बट उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है पीछे का पूरा पैनल को लेके। सो बाइक का ओवरऑल लुक ही अपने चेंज करने वाले, मतलब पीछे का ये टैंक का ये सारी चीज़ें अपने ओवरऑल चेंज ही कर देंगे, और जो लुक आएगा ना भाई मतलब मेरे हिसाब से एकदम अल्टीमेट होगा, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको भी वो चीज़ में मैं फुलफ़िल कर पाऊँ, ठीक है। तो ये पूरा निकालते हैं, मतलब अगर मैं फेयरिंग वाली करूँगा ना तो वो लोगो जैसी नहीं करूँगा कि साइड में पैक कर दिया फेयरिंग वाली, ऐसा कुछ नहीं। वी विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग लुक लाइक ए सिंगल पीस, मतलब यार वो पीछे का ये बहुत ज़्यादा लंबा लगता है, 220 का एकदम लंबी बाइक है। आपने देखा होगा कि जो बेनली 302 आर आती है वो भी इनफैक्ट यही उसका बॉडी लाइन है, बट वो पीछे से थोड़ी सी ऊँची है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना आगे से देखोगे तो बेनली 302 आर का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, मतलब उसके जो आगे का डायनेमिक्स है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वो मैं चीज़ आपको बता रहा था। तो कोई नहीं, ये पूरा हेडलाइट ओपन करके लेके चलते हैं ऊपर और बाकी की फिटिंग वहाँ पे शुरू करते हैं। आपको सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ, तो ये न्यू वाला है अपना हेडलाइट कवर और ये है अपना ओल्ड वाला हेडलाइट कवर।
तो मतलब जो ब्रोकन है इसको ओपन करने के लिए अपने को बस एक हीट गन या तो फिर आप गैस टॉर्च ले सकते हो। गैस टॉर्च आते 600 रुपीज़ का आ जाएगा, 600-700 रुपीज़ का। उसको मस्त आप लगाओ, हीट करो, स्क्रू ड्राइवर डालो हल्का सा और उसको ओपन करो और ये सीधा आ जाएगा बाहर। मतलब थोड़ा सा ऐसा, मतलब इतना ईजीली भी बाहर नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और ये आपका जो है बाहर आ जाएगा। भाई पूरा असेंबली लेने से अच्छा थोड़ा सा मेहनत करके ये चीज़ चेंज कर दोगे तो आपका ये आगे का फेयरिंग पूरा न्यू भी हो जाएगा और साथ ही में जो लुक है ना एकदम फ्रेशन अप हो जाएगा। सो अभी मैं ये वाला पोर्शन को ब्लैक कर रहा हूँ, अभी वो क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये वाला स्प्रे पेंट मैं से मार के ये दोनों को ब्लैक कर देता हूँ। सो ब्लैक क्यों की आप लोगों को मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे एलईडी स्ट्रिप्स दिखेंगे आपको, तो ये पूरी एलईडी स्ट्रिप्स हम लोग लगाने वाले अपने पल्सर के लाइट में और किस तरीके से लगाने वाले वो भी एक अपना यूनिक आइडिया है। और मतलब हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कटिंग कर दिया है और एलईडी लाइट को कुछ प्लेस करेंगे अपने, एक सेकंड कहाँ कूद रहा है मेरे भाई, रुक जाए इधर, कुछ इस तरीके से ऐसा आएगा पीछे बाजू से, मतलब पूरा आईज लगेगा, मस्त लगेगा। तो वो अपने फिट करते और फिर आपको फाइनल लुक बताते हैं। बाकी इसको मैंने ब्लैक कर दिया, एक सूख जाएगा और ये वाला पोर्शन भी अपने चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे DRL का इंस्टॉलेशन हो चुका है और ये देखो किस तरीके से पूरा दिख रहा है DRL। तो ये पूरा जाजी ने वायरिंग करके एकदम मस्त कर दिया है। और ये आइडिया मतलब मेरे को इसलिए है क्योंकि हम लोग ने वो Mac 46 का बनाया ना, तो ये देखो एक गिर गया, बेइज्जती हो गई मेरे भाई। चिपका ले उसको अच्छे से, जैसे सबको फिक्स कर दिया उसको भी चिपका दे और ग्लू गन से हम लोग फिक्स करें ताकि कि निकले ना फेविक प्लस ग्लू गन, तो उसको लगा देंगे। उसके बाद सबको स्टार्ट करके बता दो कैसा लुक आ रहा है, मतलब चालू करके बैटरी भी ऊपर लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो और अभी देखते हैं क्या करना है इसके बाद, मैं सोच रहा हूँ अच्छी कोई गेम डाउनलोड करके खेलूँ। सो गाइस चेक दिस आउट कैसा लग रहा है, और ये जब पूरा असेंबली अपने लाइट में लगेगा ना तो और ज़्यादा सही लगेगा ये। तो कुछ नहीं अभी इसको इंस्टॉल करते हैं, और मेरा प्लान ऐसा है ना कि इसमें फ्लैशर लगा देता हूँ, राइट लेफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा सही लगेगा। तो कुछ नहीं अभी वायरिंग को खाली बाहर तक खींच लेते दोनों साइड का अलग अलग करके और फिर फ्लैशर लगा के देखते कैसा लगेगा। और फ्लैशर मैं हो सके तो आज ही लगा दूंगा, वरना फिर आगे वाले वीडियो में आपको इंक्लूड करके बता दूंगा। बाकी ये देख लो किस तरीके से पूरा दिख रहा है और फाइनल फिटिंग करते हैं। मैं इसलिए ये लगाया ना, मैं सोचा कि यार पूरा लाइट वाइट खोलना ही है तो कुछ यूनिक ट्राई करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। सो गाइज यू कैन सी हम लोगों ने जो कंप्लीट फिटिंग कर दिया नया ग्लास का भी, एंड आपको एक बार चालू करके बताता हूँ मैं किस तरीके का इसका लुक आ रहा है। और ये कहाँ गया अपना माइनस प्लस, ये देखो कैसा दिख रहा है अभी तो इसमें ऐसा दिख रहा है, बट एक बार बाइक में फिट कर देंगे ना तब और ज़्यादा सही लगेगा। और कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद 3-4 घंटे इस पर पूरा लगने के बाद फाइनली ये लग चुका है। एंड ग्लास भी जो है ना अपना नया हो गया भाई, ग्लास सबसे बेहतरीन काम ये हो गया कि इसका ग्लास नया हो गया। ग्लास इसका टूटा हुआ था, काफ़ी जूना दिख रहा था, बट अभी शाइन देखो हो गया ना नया एकदम, नया ग्लास लगाने से। बाकी और अच्छा फिनिशिंग चाहिए तो पीछे वाले जो ये पैनल है ना ब्लैक कलर का, उसको ब्लैक ग्लॉस ब्लैक में पेंट कर सकते हैं एंड फिर उसको फिर लगाएंगे ना तो और ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आएगी। बाकी लुक देख लो किस तरीके से आ रहा है इसका, यार मज़ा आ गया देख के एकदम, बाइक में लगेगा तो और मज़ा आएगा। तो लगाते हैं बाइक में और आपको एक बार लुक बताता हूँ बाहर से चालू करके, क्योंकि अभी तो बहुत सारी फिटिंग करनी रह जाएगी इसमें। सो गाइस चेक दिस आउट के मतलब हेडलाइट को हम लोगों ने खाली अभी अटकाया है, फिक्स नहीं किया, बैटरी से लगाया था, क्योंकि आप देख पाओगे कि अभी भी बहुत सारा काम करना है हेड पोर्शन में, तो सारी चीज़ें फिक्स करके कोई मतलब नहीं है। और साथ ही में हैंडल्स भी चेंज करना है, बट एक चीज़ तो इसमें श्योर है कि भाई इसका लुक कैसा आ रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और उसको ब्राइटनेस थोड़ी डाउन करके बताता हूँ, ये देखो और ओवरऑल लुक भी बहुत ज़्यादा सही आ रहा है, सामने से लाइट आ रही तो थोड़ा पता नहीं चल रहा है। अभी मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है पता है, आप लोग मेरे को बताओ गलत है कि सही है कि क्या है। इसमें ना ये वाला अलग जलेगा, ये वाला अलग जलेगा, मतलब फ्लैशर जैसा अपने KTM में किया था ना वैसा इसमें एक फ्लैशर मॉड्यूल लगा दूँ तो भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा चीज़ यार, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब ये वाला पोर्शन हम लोगों ने कम्प्लीटली चेंज किया है, मतलब जो ऊपर का ग्लास आता है, तो अगर आपका भी कभी अगर ये Pulsar 220 का टूटता है ना ऊपर का, तो पूरा वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है असेंबली, सेकंड में भागा दौड़ी मत करना, ल्यूमैक्स का जाके ये परचेस कर लेना, 400 रुपीज़ का आएगा और काफ़ी ज़्यादा सही है। और एकदम फिटिंग भी एकदम एक्यूरेट है, देखो बिठाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आया इसमें। अभी
बात करते हैं कि यार आज का वीडियो तो समझ में आ गया कि इसके ऊपर था थोड़ा, मतलब टॉपिक थोड़ा अटपटा था आज का, कि कुछ यूनिक करने की कोशिश किया मैंने इसमें। बट वीडियोस कल का क्या रहेगा, मतलब कल का वीडियो क्या रहेगा, कल का वीडियो बेसिकली मोनो सस्पेंशन पे रहेगा। आज भाविक आया नहीं है, तो मेरा जो पार्टनर है वो आया नहीं है, क्योंकि यार वो गया सूरत काम से कुछ स्पेशल चीज़ लेने के लिए। तो वो क्या स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आ रही है ऑन द वे है वो चीज़, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो चीज़ को लेके। रही बात मोनो सस्पेंशन की, तो मोनो सस्पेंशन में मेरा ये सीन है ना कि इसमें NS का नहीं लगाते, मतलब मैकव्हील भले NS की लगाते हैं, बट जो सस्पेंशन मोनो सस्पेंशन है ना इसमें अपने लगाएंगे R15 वर्जन 2 का। अब देखते हैं कितना पॉसिबल चीज़ है कि नहीं पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि अगर इसमें ड्यूक और RC का पीछे का लग सकता है स्विंग आर्म, तो R15 में भी लग सकता है, क्योंकि R15 में हम लोग ने ड्यूक का बिठाया है, तो मतलब वो चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न अभी भी मेरे माइंड में, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कि आप लोगों को भी वो चीज़ समझ में आए ये क्या सीन है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ड्यूअल शॉक ऑब्जर है वो हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा, पीछे का पूरा स्विंग आर्म रिमूव करना पड़ेगा। साथ ही में मेरे को ये वाला पोर्शन ना थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है ये वाला, तो इसके जगह पर भी कोई दूसरा लगाना पड़ेगा। बट फिर वही चीज़ हो जाएगी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अभी मैचिंग में, और जैसे मैं इसको निकालूंगा मैचिंग खत्म हो जाएगा। और मैं अगर पूछ रहा हूँ, आपको कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं, मतलब जैसे आपके स्क्रीन पर भी एक फोटो आ रहा होगा, तो आप लोग मुझे सच सच बताना कि ये वाली बाइक कैसी लग रही है। अगर आपको सही लग रही है ना, देन ओनली वी विल गो फॉर डैट। और थोड़े बहुत और प्रोटोटाइप्स है वो मैं आपके स्क्रीन पर ला दूंगा, वो थोड़े हैवी है और थोड़े हार्ड और हाई बजट है, बट वो चीज़ अपने कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, वी कैन डू एनीथिंग, क्योंकि यार बाइक ही तो है, उसको बनाना ही तो है फेयरिंग वाली, तो वो चीज़ अपने कर सकते हैं। अपने को वो चीज़ एकदम क्लियर रखना है, अपना स्टेट ऑफ माइंड क्लियर रखना है कि अपने को ये बनाना है, फिर चाहे 10 दिन लगे 20 दिन लगे अपने वो चीज़ बना के रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करो, मैं ए बी कर देता हूँ, जैसे कि पहले वाला फोटो ये ए है और ये वाला फोटो जो है वो बी है, तो आप लोग कमेंट कर दो कौन सा सही रहेगा। मेरे को मालूम है बी वाला थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट वो बी वाला अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि वो है अट्रैक्टिव यार, उसमें इतना सारा खर्चा किया, तामझाम किया है, ऊपर से वो क्या एक प्रोटोटाइप है, रेंडर बोलते हैं उसको, रेंडर किया गया है वो फोटोशॉप से, और ए वाला जो है वो रियलिटी है, तो वो चीज़ है। बाकी सस्पेंशन सेटअप तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, बट आपका हैंडल मेरे को चेंज करके क्लिप ऑन करना है जैसा आप लोग ने बोला, और साथ ही में इसका टैंक है ना बहुत ज़्यादा छोटा है यार, इसको कुछ करना पड़ेगा ताकि कि लुक अच्छा है। और पीछे का टेल का हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि ये वाला पोर्शन पूरा रिमूव करके यहाँ से अपने इसको उठाएंगे ऊपर, और या तो अपने इसमें लगाएंगे NS का पीछे का टेल या तो RS का पीछे का टेल, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत सही है। ठीक है, तो अभी ये था मतलब पूरा आज का वीडियो। आज के वीडियो मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने आगे का हेडलाइट पोर्शन पे जो है पूरा कंप्लीट हम लोगों ने ऑल्ट्रेशन किया। अभी आपको ये चीज़ चाहिए तो आप भी खुद भी कर सकते हो, या तो फिर आप जो है मेरे पास भी करवा सकते हो, और खुद करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोग को, बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा। बट खुद से करोगे तो क्या अलग अलग डिज़ाइन भी कर सकते हो, मुझे ये वाला सूट लगा कि मस्त लगेगा तो मैंने ये वाला किया, और आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट फिटिंग किया, और इसी तरीके से आप लोग जो है सपोर्ट करते रहो, करते इस वीडियो को, एंड मिलते अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, स्टे ट्यून, बाय बाय।